तो माय नेम शांतनु द्विवेदी और आप लोग देख रहे हैं हैप्पी डीआरएक्स व्लॉग। तो इस व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं फिर से नए वीडियो के साथ। ये पार्ट टू होने वाला है मेरी लाइफ स्टोरी का। तो आइए इस व्लॉग को चालू करते हैं और देखते हैं इस व्लॉग में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं क्लास 9 तक पहुँच गया था और हल्का फुल्का मैं अपने जीवन के बारे में बता भी दिया था। तो आइए इस व्लॉग को चालू करते हैं। 9th में लगभग मैं 14 या 15 ईयर्स ओल्ड था। तो आइए इस व्लॉग को आगे चालू करते हैं और देखते हैं अभी आधी पूरी जिंदगी बाकी है तो उस जिंदगी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि और क्या क्या मेरे साथ घटित हुआ, कितने दोस्त थे, कैसे थे, क्या हुआ 10th में, क्या हुआ 12th में, पूरा बाकी है, पूरी जिंदगी बाकी है 12th तक की। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो वीडियो चालू करने से आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो ये वीडियो चालू होती है और हम थे क्लास 9th में। तो जी हाँ, क्लास 9th में जो मेरा दोस्त थे, पहले आपके दोस्त की बात करें, जो कि मेरे 8th और 7th में दोस्त नहीं बने थे, वही क्लास 9th में एक मेरा शर्मा दोस्त बन गया था। उसका नाम था ऋषभ शर्मा पूरा, खाली वही एक लौटा दोस्त था, क्योंकि कुछ ऐसे कारण हुए थे कि हुआ गया था कि मैं विशाल कक्ष में था अपने, जहाँ पर मेरी प्रेयर होती है, तब मुझे पता चला कि यही मेरा दोस्त है। क्लास 9th की बात है और विशाल कक्ष में हम लोग थे। तो वहाँ पर क्या, हम लोग क्लास पीरियड चला था 5th और मैं वहाँ पे 8th पढ़ाई आ रही, तो मैं जानता था काफ़ी खुरापाती था। तो मेरी जो दीवार होती है, दीवार इस साइड यहाँ पे लकड़ियाँ लगी होती हैं सो बजे के लिए, तो वहाँ पे रुई लगी हुई थी। तो जब वहाँ पे रुई लगी हुई थी तो रुई क्या थी, उसका चुभने वाली रुई थी, तो लंबे लंबे उसमें करंट थे। तो क्या किया मैंने, एक लड़का था आयरन रॉय, हम लोग वहीं साथी में थे, बैठते थे, तो उसने कहा ये लो और गर्दन के पीछे लो, खुजली मस्ती है। तो हमने अच्छा भाई, हमने लिए लगा दी एक लोगों की, आने लगी खुजली उसकी, ऐसे खुजियाने लगा, खुजियाने लगा, मार परेशान हो गया। हमने ध्यान नहीं दिया, हम कहा नहीं आ रही है, हमने कम से कम 15-20 लोगों के 15-20 ने लगभग 30-40 लोगों की लगा दी, हमने लगा दी हमने ऐसी किसी। अब क्लास में गए वो सब परेशान, खुजली से परेशान, मार परेशान, मतलब लगभग मेरे लिए कम से कम। फिर एक टीचर आया, उसका नाम था शेखर पटेल, उसने हिंदी से टीचर, उनका नाम था, हम लोग प्यार से उनको नंदी बुलाते थे, हम नाम याद नहीं आ रहा, गौरी शंकर नाम था, गौरी शंकर, उनको हम लोग प्यार से नंदी बुलाते थे। तो अब वहाँ पे जब खुजली मचने लगी तो उनने पूरी शिकायत कर दिया कि बच्चों ने मेरी, तो लगभग मेरे खिलाफ 30 एप्लीकेशन लिखी गई थी, जबकि सभी मेरे दोस्त थे, सभी दोस्तों ने 30 एप्लीकेशन मेरे खिलाफ में लिखी थी। तब मुझे काफ़ी पनिशमेंट मिली, 30 एप्लीकेशन एक बच्चे के लिए काफ़ी मायने रखती है और काफ़ी उदंडता मची थी, अब क्या ही बताया जाए, वो बात हटाते हैं। तो क्लास 9th में तब हमको पता चला कि मेरा एक ही दोस्त है, उसने हमको समझाया जैसे हनुमान देखो ये तुम्हारे दोस्त हैं और फिर भी तुम्हारे शिकायत कर रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा, ये माए गैंग सब शिकायत करने पहुँच गए, तो बात सही है मयंक द्विवेदी, अगर वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर हूँ मयंक द्विवेदी। तो मयंक द्विवेदी, ऋषि गुप्ता, राजीव यादव, सचिन पांडे, जतिन पोरवाल, इस सब सभी ने, सचिन सब तुम्हारे दोस्त नहीं थे, इस सामने एप्लीकेशन लिख के दे दी भाई मेरे खिलाफ, कोई बात नहीं, जो भी हुआ हो। तब राहुल था एक क्लास टीचर, काला काला था, वो ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था, पागल आगल था दिमाग से थोड़ा, लेकिन फिर भी टीचर था। तो इसके बाद क्या हुआ, क्लास 9th में बोर्ड आने लगे, रही है क्लास 10th में बोर्ड आने थे पढ़ाई की। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जिस वैन से हम जाते थे, तो जिस वैन से हम जाते थे उस वैन में लगभग 12 से 13 बच्चे पढ़ते थे, मतलब पढ़ते के आते थे। तो उसमें हमारे दोस्त थे, एक तो जो वैन ड्राइवर था वो मेरा दोस्त बन गया था, क्योंकि हम आगे बैठते थे वैन हमेशा, और मेरे जो बगल में बैठा सार्थक, वो भी मेरा सब्सक्राइबर है, मेट्रो वीडियो देखा करता था, सार्थक चतुर्वेदी, इसको हम प्यार से कंचना बुलाते थे। तो कंचना था और सुब्बू मेरा भांजा, ये तीन लोग आगे बैठते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक गैस द्विवेदी लड़का था, उसको मैंने बहुत मार रहा वैन में, जो बात सही क्यों कंचना सही कह रहे हैं, तो उसको मैंने बहुत मार रहा, क्योंकि बात ये होगी क्योंकि जो सुब्बू था वो बैठा था मेरी तरफ, मेरे ऊपर, और जो यश था वो मेरे बगल में बैठा था। तो यश खिड़की से सरकार निकाल रहा था, सुबह दिक्कत हुई थी, तो मैं 2-3 सौ मना के लेकिन वो नहीं मारा, तो उसको मैंने बहुत मारा। फिर क्लास 9th की बात है, ठीक 9th हो गया। अब 9th में घर का क्या सीन रहा, घर का सीन ये रहा, 9th में मुझे याद कर, थोड़ा याद करने दो, 9th में मुझे क्लास, हाँ ये आपको सीक्रेट बात बताता हूँ जो अभी तक किसी को नहीं पता है, सीक्रेट बात यह है, जो सीक्रेट बात यह है, जो मेरे स्कूल में टीचर थे दो, एक बैकुंठ एक दुबे, स्कूल एक टीचर थे, जबकि स्कूल के टीचर घर में कोचिंग पढ़ाना मना है, फिर भी मेरे माता जी पिताजी ने उनसे कहा कि आप उनको घर में आके पढ़ाइए,
टू में कर मैं पढ़ाते थे कोचिंग, इंग्लिश टू में पढ़ाता था और साइंस और मैथ बैकवर्ड पढ़ाते थे, ठीक है। और जो दोनों लोग पढ़ाते थे तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, और स्कूल में जबकि है मना मना है पढ़ाना तो भी पढ़ाते थे। पैसा मेरे पिताजी मुँह मांगे इनको देते थे, वो लेते थे, दुबिटी लेते थे 2,000 रुपये और बैकून देते थे 3,000 रुपये। रुपये नहीं सर जी, अगर देखे तो माफ़ कर दीजिएगा, बता रहे हैं बात को कि वीडियो में हम कुछ झूठ नहीं बोलते हैं। तो वो पढ़ाते थे काफ़ी अच्छा, दोनों पढ़ाते थे, मैकुन जी भी अच्छा पढ़ाते थे, दुबे जी काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, जबकि स्कूल से थे, लेकिन फिर भी हमें स्कूल क्वेश्चन नहीं बताते थे, जो सही बात है, क्योंकि दुबे नहीं बताते, बैकुन जी हल्के फुल्के बता देते थे, लेकिन दुबे जी नहीं बताते थे, बैकुन जी हल्के फुल्के बता देते थे, जो सही है। घर का सीन ये था। और हाँ, फिर आते हैं क्लास में, तो 9th में हम लोग गए ब्लू वर्ल्ड। तो ब्लू वर्ल्ड में हम गए, मयंक गए, बंगाली था, बंगाल से एक लड़का आया था, आपसे सोनकर गया, अनुराग मौर्य, अनुराग मौल, हम लोग गए थे डामर, डामर गया, ऋतिक दीक्षित गए जो कि मेरे पुराने दोस्त थे, सब गए। काफ़ी ब्लू वर्ल्ड में फन हुआ, 500 रुपये में लेके गया था ब्लू वर्ल्ड, तो काफ़ी अच्छा लगा। आते हैं क्लास 10th में, वहाँ गए बोर्ड। तो बोर्ड में क्या होता था, जब बोर्ड आ गया तो बोर्ड भी निकालना है, क्वालिफाई करना, मस्ती भी करनी क्लास 10th में, ऐसा भी नहीं कि एकदम बोर्ड बोर्ड जा रहा, सब प्रैक्टिकल भी होने थे क्लास 10th में। तो अब क्या हुआ, पढ़ाई आई। अब पढ़ाई कैसे आई, कि पढ़ाई आई ऐसे कि बैकुन जी भाई खूब मेहनत करते, इधर से दुबे जी खूब मेहनत करते, बोर्ड आ चुका था, बोर्ड में परसेंटेज लाने से, तो बैकुन जी दुबे जी खूब मेहनत कर रहे। उधर स्कूल में फिर एक आती है विद्या प्रकाशन क्वेश्चन बैंक्स आती हैं, वो मैंने गद्दे में ला कर दी गई, तो उससे हमको काफ़ी हेल्प मिली विद्या प्रकाशन की, या किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकाशन प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक्स आती हैं 10th और 11th की, तो उससे में काफ़ी हेल्प मिली। हम पढ़े इंग्लिश दुबे देखें, मैथ साइंस बैकुंठ जी देखें, बचा हिंदी भूगोल, वो हम खुद और मम्मी दीदी सब देखें, को पापा तब मेरे पिताजी भी थे इस समय नहीं है, तो अभी बताते हैं उस पर भी आएंगे। तो काफ़ी पढ़ाई मैंने की, काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी पढ़ाई की, तो कुल मिला के हम बोर्ड पेपर दे दिए क्लास 10th में शर्मा, और अच्छा एक वहाँ हो गया बोर्ड पेपर हम लोग दे रहे थे, तो हम इस साइड बैठे थे और जो मेरा दोस्त था शर्मा वो इस साइड बैठा रहा पीछे, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तरफ। तो हुआ क्या, अच्छा हल्का फुल्का तो बात हो जाती है, चाहे जितना ही बोर्ड को, चाहे सब इंसान जानते हैं हल्की फुल्की बात हो जाती है, जब कोई करे चाहे ना करे, जो हम तो जानते हैं जो बात सही है, हल्की फुल्की बात हो जाती है सारों में, तो एक दो नंबर का इंसान देख दुख लेता है। तो हुआ कुछ नहीं था, मेरी तरफ खिड़की थी और उधर खिड़की नहीं थी, तो ऊपर से टीचर आ रहे थे, ये शर्मा अपनी कॉपी पलट रहा था, अब उनको लगा कि कॉपी दिखा रहा है, और उसको लगा कॉपी दिखा रहा है, और जबकि ऐसा कुछ है जब कॉपी किस फोल्ड कर रहा था ऊपर, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मैथ में भी खास खासकर, तो वहाँ से टीचर ने खिड़की देख लिया, उनने कहा कैमरा दिखा, वो कहते कैमरा पीटे है शर्मा। तो तब से हमारी क्लास 10 से शर्मा तो स्टूडेंट, उसको लगा कि हमने मतलब हमारी वजह से, तो उससे हमारा बोलना बंद हो गया, क्योंकि बोर्ड में कोई मार खा जाए, काफ़ी काफ़ी मार था, वो भी कंपाउंड जो नहीं झाड़ू से लगाते हैं वो भी आके मार के चले गए थे उनको शर्मा जी को, क्योंकि बोर्ड का सवाल था। तो हुआ ये बात। अब आते हैं क्लास 10 में रिजल्ट आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गई, बढ़िया पास हो गए, ज़्यादा परसेंट नहीं आए थे, 64-65 आए थे, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलने में फायदा नहीं, बता दिया 80-90% कोई फायदा नहीं है, जो 80% 90% आगे बैठ, वो भी इंसान भी बैठा हुआ है, तो हमारी उम्र ही क्या भी है। तो हमारे 63 से 64% आए थे, लगभग 63 पॉइंट कुछ आए थे, तो हमें काफ़ी संतुष्टि मिली, मेरे पिताजी को काफ़ी संतुष्टि मिली थी कि 63% आगे पे, पापा ने मेरे पीठ पीठ हाथ भी थपथपाया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मज़ा आ गया था काफ़ी। और उस दिन पार्टी मेरे घर में हुई थी, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन आना मेरे लिए बहुत था, क्योंकि कोई अक्सर फर्स्ट डिवीजन आ नहीं पाता था। हाँ मेरी दीदी दीदी आई फर्स्ट डिवीजन, सब दीदी मेरे फर्स्ट डिवीजन, मामा मामा लड़के सब फर्स्ट डिवीजन आए, कोई सेकंड डिवीजन मेरे घर में नहीं आया है, तो इसीलिए फर्स्ट डिवीजन, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो चाहे तुम जितने परसेंटेज, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब भैया क्लास 9th हो गया, क्लास 10th भी हुआ, अब आते हैं 11th। क्लास जब 10th नहीं क्लास 10th ही में आते हैं, अभी क्लास 10th में काफ़ी ऐसी घर की परिस्थितियाँ थी, क्लास 10th के जब बोर्ड पेपर चल रहे थे, तब पता चला था कि मेरे पिताजी को कैंसर हो गया है, क्लास 10th के फाइनल पेपर थे, तब पता चला कि मेरे पिताजी को कैंसर हो गया है। तो काफ़ी अब आपको जो मेन आते हैं, तब पता चला कि मेरे पिताजी को कैंसर है, सब घर में सदमे में थे, ठीक है पूरी बात बताएंगे इसको, थोड़ा आप अच्छे सुनिएगा। तो सबसे पहले अच्छा हुआ, उससे पहले भी आते हैं, जब उससे पहले आते हैं भूल गया, थोड़ा मैंने स्किप कर दिया। तो हुआ क्या कि जब क्लास 10 के बोर्ड के पेपर लगभग सितंबर अक्टूबर अगस्त अगस्त से पहले की बात है, जून जुलाई की बात है, जब क्लास 10 चालू हुआ था, तब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ एक, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर घाव हो गया था दांत दांत के पास। तो हम और मेरे पिताजी तब क्लास छोटे से क्लास 10th में ही, क्या ही इंसान समझदार होता है, तुम छोटे थे ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, तो हम पापा को दिखाने ले गए डेंटिस्ट के पास, हम पापा गए साथ ही में, तो उसने काफ़ी किया दांत निकाल दिया, उसी के चक्कर में इनको हो गया कैंसर, हो
क्योंकि दांत जब निकल गया वहां से घाव होता रहा, घाव सही नहीं हुआ तो हो गया कैंसर, जो बात सही है। अब पता कैसे लगा कैंसर हो गया है। हम लोग कैंसर विभाग में गए लेकिन उन्होंने मना कर दिया, सरकारी वाले में गए थे कि हमने चेक कर लिया है कि नहीं है, क्योंकि तब उन्होंने मना कर दिया कैंसर वैंसर नहीं है। तब फिर भी उनका मुंह बंद होने लगा धीमे धीमे, काफ़ी समस्याएं आ गई, मुंह बंद होने लगा, जबड़ा मुंह खुलता था, खाना नहीं खा पाते, दर्द होता था। तो मेरी दीदी समझ, मेरी दीदी जो पढ़ी लिखी थी, डी फार्म कर रही थी, डी फार्म नहीं एम फार्म कर रही थी, तो काफ़ी वो सीनियर थे हमसे, डी फार्म करके बाद बी फार्म करने बाद एम फार्म कर रही थी, तो काफ़ी उनसे सीनियर थे, हम कहाँ क्लास 10th में, वो कहाँ डी फार्म एम फार्म। तो इसके बाद उन्होंने अस्पताल में चेकअप कराया, डॉक्टर अर्चिता जो कानपुर की इस समय सबसे टॉप कैंसर सर्जन है, उनको दिखाया गया। उन्होंने MRI और दो तीन चीज़ें बता दी, MRI CT स्कैन ये सब बता दिए, चेकअप हुआ, पर असला पिन पॉइंट जो होता है उसका कैंसर इनको है। अब घर में सब सदमे में आ गए, मामा को फोन किया गया, हमारे जो मामा हैं मामा श्री उनको फोन किया गया, मेरे मामा को बुलाया गया, मामा से, क्योंकि जो कोई मेरे घर में टावरी से मेरी पटरी निकालती थी तो टावरी से ज़्यादा बातचीत नहीं मिली है, तो मामा हैं और बड़े दीदी हैं, तो पहले मामा को बुलाया, क्योंकि मेरे मामा है खुद डॉक्टर हैं MBBBS, तो उनको बुलाया गया, उनसे सलाह ली गई, क्योंकि वो तो कैंसर डॉक्टर हैं, वो तो कैंसर का ही इलाज कर सकते हैं ना, जो कैंसर का इलाज कर सकते, नॉर्मल बुखार बुखार वाले हैं वो, तो वो कैंसर का इलाज थोड़ा कर देंगे। तो उनसे राय ली गई, एक कैमरा ही लिया, सर मैं 5 ले गए थे, तो उनसे राय ली गई, तो उन्होंने बताया कि इनका इलाज करेंगे अच्छी जगह, तो हम लोगों ने वहीं अर्चिता का इलाज चलाया, क्योंकि भाई कानपुर सबसे टॉप, जो आपने शायद सुना, अगर आप कानपुर से डॉक्टर अर्चिता सुना हो, या फिर आपने वो और जहाँ CT स्कैन होते हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ पे काफ़ी इलाज चला। इसके बाद उनके कीमो हुई, CT स्कैन हुआ, कीमो हुई, MRI हुई, सभी जब जाँचें आँचें हो गई, कन्फर्म हो गया, तो उनकी कीमो चढ़ी, पहले 3 दिन कीमो चढ़ी, फिर आते 30 दिन बाद फिर कीमो चढ़ी, 3 कीमो चढ़ी 30 30 दिन के गैप पे। इसके बाद उनका हुआ रेडिएशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कैंसर का इलाज कितना ही महंगा है, क्योंकि और मेरे पापा डॉक्टर थे, पैसे कोई कमी नहीं थी घर में, लेकिन पैसे कमी आ गई जब कैंसर आ गया, तब पैसे कमी आने लगी धीमे धीमे करके, दीदी की शादी होने दी, छोटी वाली दीदी की जो एम फार्म कर रही थी, तो कैंसर भी आ गया, दीदी की शादी भी करनी थी, काफ़ी प्रेशर आ गया पिताजी के ऊपर, अपना खुद कैंसर जो भी है जिसके, वो क्या ही कर सकता है, उनकी प्रैक्टिस भी छूट के रिटायर हो चुके थे, उनकी काफ़ी समस्याएं आ गई घर में, अब समस्याएं से आना चालू हुई, अब से समस्याएं ही सिर्फ आया और कुछ नहीं आया, तो काफ़ी समस्याएं आई घर में। तो काफ़ी समस्याएं जब आने लगी, तब पता चला कि ये सब रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए, कोई आना जाना बंद हो गया, पैसे ना मांग लें, इसीलिए हर होता है, समझ में आता है, तब समझ में आया कौन अपना कौन पराया है। तो काफ़ी इलाज किया, क्योंकि पापा ने मेरे किसी से पैसा मांगा नहीं, क्योंकि सरकारी डॉक्टर जानते हैं, सरकारी इस समय सरकारी जो है उसको कितना ही पैसा मिलता है, आप लोग जानते हैं, खुद जानते हैं, मेरे लोग नहीं, खूब पैसा भगवान ने मिलता है, ऐसी बात नहीं है, खुद कमाया उन्होंने, तब खर्चा हो गया, लेकिन दीदी की शादी भी करनी थी, क्योंकि तो जब पैसा मिलना था मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। इसके बाद इलाज चला काफ़ी उनका, कीमो हो गए, रेडिएशन हो गई, वो सही हो गए थे, अच्छे खासे हो गए थे, उनको एक बीमारी, उससे पहले एक बीमारी थी न्यूरो की, जिससे उनके हाथ पाँच होती हैं अपने आप चलते रहे, ऐसे भागते रहे, ऐसी से ऐसी से ऐसी करते रहे, ऐसी करते रहे, कि हाथ पाए गर्दन अर्दन सब अपने भागा करती थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, भागती थी। उसका भी इलाज चल रहा था, उसका इलाज चल रहा था यहाँ पे हेलट है, हेलट करिए रिजेंसी है, यहाँ पे चल रहा था इलाज, पांडे हैं कोई डॉक्टर, काफ़ी न्यूरो सर्जन, उनसे वही इलाज चल रहा था, लेकिन आराम नहीं थी। इसके बाद चलता रहा, इधर से मामा भी एक अपनी कैंसर की दवाई आयुर्वेदिक लाते थे, वो भी खाते थे, लगभग 14 से 15 हज़ार की वो आती थी हर महीने की दवाई, हर महीने की दवाई आती थी, वो भी मामा खाते थे, आयुर्वेदिक को नुकसान करते नहीं, अपनी मामा अपने कहीं से ला के लाते थे, और इधर से भी इलाज चल रहा था, लगभग मेरे घर का खर्चा दवाई दवाई था वो 1 लाख रुपये हर महीने का, और जो इनकम थी वो 20 हज़ार रुपये भी नहीं थी, क्योंकि पापा खुद बीमार तो कहाँ से इनकम होगी, और उनको जो पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद पेंशन ही मिलती है, जो 60 हज़ार उसको मिलती है सैलरी, वो आगे 30 हज़ार रुपये, खर्चा कितना 1 लाख रुपये। अब जाके दीदी की शादी, अब दीदी की शादी की लड़का देखने आने लगा, क्योंकि भाई शादी करनी जल्दी जल्दी, तो उस समय जब दीदी की शादी करनी थी तो रिश्ता तय हो चुका था, जब पिताजी को कैंसर पता चला था, लड़का जो था वो उस समय का वीडियो देख रहे हूँ, कोई बात नहीं देख रहे हूँ, उनकी दीदी भी देख रही हूँ, बहन है सब देख रही हूँ, तो लड़का था जय, नाम था जय, जय जिया जी मेरे, और वो कहते क्या थे, उनका एल्कोहल का बिजनेस था, और एल्कोहल का बिजनेस था, और इतना ही था, और कुछ नहीं करते थे, एल्कोहल का बिजनेस था, काफ़ी बड़ा बिजनेस था।
तो समय सीमा समाप्त हो चुकी है, 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इसके आगे पार्ट 3 कब आएगा हमको नहीं पता था, कितने पार्ट आ जाएंगे। तो अब इसके आगे देखने के लिए इससे आगे समस्याएं चालू हो रही हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पार्ट 3 जल्द से जल्द, कल आज आ गया है तो कल भी आ जाएगा पार्ट, रोज़ पार्ट आएंगे इसके। तो प्लीज़ यार वीडियो देखा कीजिए, वॉच क्या कीजिए, आप इसी तरह से हमको सपोर्ट दे दीजिए, काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। आप बस सपोर्ट देते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो बेल आइकन का बटन दबा दें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वीडियो वॉचिंग, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो, तो ऐसा सपोर्ट करते रहो। अभी पूरी बाकी ज़िंदगी, अभी तो कुछ नहीं बताया मैंने, क्लास 10 मटके पड़े हैं, तो प्लीज़ वीडियो वॉच किया कीजिए। थैंक यू वीडियो वॉचिंग, बाय 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 बाय।